हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल BodhisattvaPCS। फ्रेंड्स, यूएससी के आर्मी जनरल रह चुके हैं नॉर्मन स्वार्जकॉफ, उनका एक कथन है जो काफ़ी प्रेरणादायक है और हमारे दैनिक जीवन में भी सटीक सही बैठता है कि यदि आप शांति के पीरियड में जितना अधिक पसीना बहाओगे ना, आपको अशांति समय में अर्थात युद्ध के काल में उतना ही कम ब्लड बहाना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारे जो है दैनिक जीवन में अक्षरशः सत्य साबित है। यदि आप आईएएस या किसी भी स्टेट पीएससी का प्रिपरेशन करने वाले हो तो आपके प्रिपरेशन पीरियड में बहुत सारे उठा पटक आएंगे, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे। इन सब में आपको स्टैटिक रहना है, एक्ट लाइक अ सेंट, आपको संत की तरह बिहेव करना है और अंततोगत्वा अपने पाथ को, अपने जो भी मेहनत है उसको मंजिल तक पहुँचाना है, अपना एम जो है अचीव करना है। तो फ्रेंड्स, यदि आप 67वीं बीपीएससी के लिए सीरियस हो, इफ़ यू आर सीरियस अबाउट दिस, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी लाइफ चेंजिंग सेशन होने वाला है। यह जो सेशन है आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उस थॉट प्रोसेस के बारे में, उस साइकोलॉजी के बारे में जो जनरली जो है कोई भी अभी जो मेंटर जो है ना आपको बताता नहीं है। कोई भी कोचिंग संस्था, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब लोग नहीं बताते, कोई लोग बताते होंगे लेकिन बहुत कम लोग बताते हैं। ठीक है, आपको कहीं नहीं मिलेगा ये सारी चीज़ें जो आज मैं बताने वाला हूँ। इसमें दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में हम आपके साइकोलॉजी और तरीकों के बारे में चर्चा करेंगे कि आपको प्रिपरेशन करने से पहले आपको अपने को किस तरीके से खड़ा, मतलब अपने आपको ढालना होगा, आपकी साइकोलॉजिकली, आपको साइकोलॉजिकली मेंटली जो है किस तरीके से आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, डिसिप्लिन का क्या रोल है और कुछ फॉर्मूला है जो मैं आपसे शेयर करूंगा। यदि आपको उसको, आपने उसको फॉलो किया ना, तो आपके लिए पढ़ाई जो है काफ़ी मतलब मज़े की चीज़ हो जाएगी। और सेकंड पार्ट में मॉडिफाइड जो है, जो अभी बीपीएससी 66वीं मेंस का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, इसमें जो क्वेश्चन का ट्रेंड था कुछ स्टैटिक पोर्शन को छोड़ दिया जाए, जो हमेशा समान ही रहता है बीपीएससी के द्वारा पूछा जाता है, जो करंट अफेयर्स का ट्रेंड था, करंट अफेयर्स ने जिस तरीके से स्टैटिक पोर्शन को सबमर्ज करके कन्वेंशनल तरीके से हटा के काफ़ी डायमेंशनल अप्रोच लेते हुए क्वेश्चन पूछा गया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। उन स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सी जो है बुक्स और किन स्रोतों को फॉलो करते हुए आप 67वीं बीपीएससी को आराम से क्रैक करो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ़ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। हाँ, वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना ताकि मैं आपके लिए जो भी कमिटमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए मोटिवेट होता रहूं। ठीक है, 67वीं बीपीएससी एग्जामिनेशन की बात कर देंगे। इस मंथ अगस्त में जो है सेकेंड वीक तक जो है आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा 67वीं बीपीएससी का। ठीक है, अभी जो है 1 अगस्त से आपके पास, जब भी नवंबर में एग्ज़ाम कंडक्ट होगा तो आप मान लीजिए आपके पास 100 दिन तो है, 100 दिन जो है आप आराम से इसमें 2 महीना प्री कम मेंस को डेडिकेट कर सकते हो और 1 से 1.5 महीना जो है आप प्रीलिम्स को फुल्ली डेडिकेट कर सकते हो और बीपीएससी को क्रैक कर सकते हो मेरे द्वारा बताए गए तरीकों को यदि आप फॉलो करते हो तो। ठीक है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि हम नए हैं और इतने दिनों में तैयारी नहीं हो सकती, बिल्कुल तैयारी होगी, आप बस मेरे साथ बने रहो, मैं बता रहा हूँ। सबसे पहली बात कि एक जो है विद्यार्थी को, एस्पिरेंट्स को जो बीपीएससी जैसे हाईली संस्था के लिए प्रिपरेशन कर रहा है या आईएएस का प्रिपरेशन कर रहा है या किसी भी फील्ड में आप प्रिपरेशन करने जा रहे हो, तो आपका जो है थॉट प्रोसेस किस तरीके का होना चाहिए, इसके बारे में हम वीडियो के फर्स्ट पार्ट में चलिए चर्चा करते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि आपको युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। युद्ध मीन्स नॉट कि आप कन्वेंशनल वार करने वाले हो और कहीं जाके आप विस्फोट करने वाले हो। यू शुड एक्ट लाइक अ समुराई। समुराई ये जो है जापानी योद्धा होते हैं, आप इनको देखोगे ना कभी झगड़ा करते हुए, मतलब एक दूसरे से मारा, मतलब तलवारबाजी करते हुए या लड़ाई करते हुए, ये इनका हाथ और दिमाग और शरीर तो काफ़ी फुर्तीला रहेगा लेकिन चेहरे पर इतनी शांति, इतनी गंभीरता, इतनी शालीनता रहेगी ना, इनको क्रोध नहीं आता है। इनको क्रोध आता है इनके एक्शन में, इनकी सारी एनर्जी और इनकी सारी ऊर्जा जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में ये लगाते हैं और हर एक सिचुएशन में स्टैटिक रिएक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि यदि आप 67वीं बीपीएससी या किसी भी प्रिपरेशन एग्जाम का प्रिपरेशन करने वाले हो, तो यदि आप 1-2 एग्जाम फेल करते हो ना, तो आपको बहुत सारे लोग गाली देंगे, आपके पड़ोसी गाली देंगे, परिवार वाले कहेंगे कि मतलब सपोर्ट करने के लिए ना कहेंगे, बहुत सारी मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आप आए दिनों जो है एग्जाम्पल देखते होगे सोसाइटी में, तो आपको जो है
समुराई की तरह एक्ट करना है, मतलब किसी भी सिचुएशन में आपको जो है काफी शांत और गंभीर रहना है। ठीक है, हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज आपको समझ में आ गया, यू शुड एक्ट लाइक अ समुराई। समुराई का गुण क्या होता है मैंने ब्रीफ कर दिया। अब बात कर लेते हैं बीपीएससी संस्था के बारे में। देखिए बीपीएससी क्या है, बीपीएससी संस्था है जिसका एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस होता है, थॉट प्रोसेस होता है। उस थॉट प्रोसेस को वह एमसीक्यू में उतारती है, प्रीलिम्स में या मेंस में जो भी प्रश्न होता है, उस थॉट प्रोसेस के तहत जो है आपके सामने एक 150 प्रश्नों का एक सेट आता है और इसी को क्रैक करके, इसी को डिकोडिफाई करके आपको एग्जाम जो है पास करना होता है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको ना मेंटली पहले तैयार रहना होगा, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन शुड बी योर ब्लड ग्रुप। ठीक है, आपका ब्लड ग्रुप हो जाना चाहिए जब तक आप प्रिपरेशन कर रहे हो, डिसिप्लिन। ठीक है, इसके बिना कुछ भी मतलब संभव नहीं है, बिना डिसिप्लिन के कुछ भी संभव नहीं है। किसी भी को भी नहीं देखे होंगे कि डिसऑर्गेनाइज वे में आपको जो है कोई बहुत बड़ा चीज़ प्राप्त कर लिया है। यदि कोई कुछ कहता है तो ये आपके साथ बहुत ही बड़ा झूठा गेम खेल रहा है। तो आपको डिसिप्लिन्ड होना पड़ेगा सबसे पहले। डिसिप्लिन का मतलब कि आपको जो है ना, आपको एक तो मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा और एक जो आपको है आपके काम जो है ना उसको ऑर्गेनाइज तरीकों से करना होगा। यदि आप केवल एस्पिरेंट्स हो, आप प्रिपरेशन कर रहे हो, यदि आप गृहिणी हो, यदि आप कहीं वर्क कर रहे हो ना, तो यदि आपके लाइफ में डिसिप्लिन है तो मान लीजिए आप 60 से 8 घंटा ऑफिस में वर्क कर रहे हो, उसके बाद भी आप 4 घंटा आराम से पढ़ाई कर सकते हो। तो यदि आप चीज़ों को ऑर्गेनाइज करो सही तरीके से, क्या आपका समय है, क्या आपके पास संसाधन है, उनको ऑर्गेनाइज करके आप पढ़ाई करो तो आप आराम से जो है अपने पाथ को जो है फॉलो कर सकते हो। जो भी आपका प्रोग्रेस पाथ होगा आपको अचीव कराने के लिए, आपके लक्ष्य को, उस पर आगे बढ़ सकते हो। दूसरा रूल है फॉलो द फर्स्ट 90 मिनट रूल। कहने का मतलब है कि जब भी आप सुबह उठो या कभी भी जो भी आपका पढ़ने का रूटीन है ना, जब आप पढ़ने बैठो ना कभी भी ब्रेक देके, तो उसमें जो है फर्स्ट टाइम यदि आप मॉर्निंग में उठ रहे हो 4 बजे, तो 4 बजे से बहुत सारे लोग उठ के जो है फ़ोन चेक करते हैं। जिनको फ़ोन चेक करना नेसेसरी है वो ज़रूर चेक करें, या कोई और कार्य करना नेसेसरी है वो करें, लेकिन जब आप नित्य क्रियाक्रम से फ्री हो जाओ तो आप 1.5 से 2 घंटे ना एक बैठे में पढ़ाई करने की कोशिश करो। या आपके ना मेंटल स्ट्रेंथ को और आपके एनर्जी को, इंथुजियाज्म को इतना बूस्ट करेगा कि आप दिन भर पूरे मेहनत करने के लिए तैयार रहोगे, पढ़ने के लिए तैयार रहोगे। ये साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, इसके पीछे साइकोलॉजिकल थॉट्स है। एक बहुत बड़े राइटर का बुक है हाउ टू 100% फोकस, उसका ये निचोड़ है, मैं आपको बता रहा हूँ तैयार रहना इसके लिए। ठीक है, उसके बाद क्रिएट द कंड्यूसिव इन्वायरमेंट फिजिकल एंड मेंटल। मेंटल के बारे में बात कर लिया, फिजिकल के बारे में यदि आप जो है प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो देखो यहाँ पे एक घर के एक कॉर्नर में टेबल चेयर रखा हुआ है ना, तो आप किसी भी घर मतलब जो भी आपके पास स्पेस है, एक ऐसा कोना ढूंढो जहाँ पे शांति हो, साफ सफाई रखो, वहाँ पे एक टेबल और एक चेयर जो है आपका जरूर होना चाहिए। आपको बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं है प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, आप अपने घर पे रह के आराम से तैयारी कर सकते हो। यहाँ पे आपका एक चेयर रहना चाहिए, टेबल रहना चाहिए, बुक शेल्फ होना चाहिए, पेन स्टैंड होना चाहिए, एक स्टॉप वॉच होनी चाहिए, जो भी या टेबल वॉच होनी चाहिए, टेबल लैंप होनी चाहिए जिस तरीके की रोशनी से आप पढ़ना पसंद करते हो। ये जो है कंड्यूसिव इन्वायरमेंट का मतलब, कभी आप देखे होगे ना जब आप जिम में जाओगे जहाँ पे लोग लोहे के बंडल से कसरत करने की कोशिश करते हैं, तो आपको ऑटोमेटिक जिम करने का मन करने लगेगा। तो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट का मतलब यही हुआ कि जब आप अपने घर में ही या जहाँ कहीं भी रहो आप इन्वायरमेंट बना के रखोगे ना, तो आप वहाँ पे जाओगे ऑटोमेटिक आप इंस्पायर होगे अपने काम को करने के लिए, पढ़ने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ये क्लियर रहना होगा कि आपको कितने साल देना है ये बीपीएससी के लिए या किसी भी एग्जाम की जो आपके प्रिपरेशन करना चाहते हो। मान लो आपको 2 साल देना है तो आप 2 साल के बाद कहाँ लैंड करना चाहते हो, आपको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपको यह क्लियर होना चाहिए कि आप 2 साल बाद जो है आप बीपीएससी में एसडीएम बनना चाहते हो, डिप्टी एसपी बनना चाहते हो, आरओ बनना चाहते हो, या क्या बनना चाहते हो। ठीक है, ये क्लियर नहीं होगा आपको, मतलब आपके ऊपर जो है कंपल्सन, एक कंपल्सन नहीं, एक प्रेशर नहीं होगा, साइकोलॉजिकल
जो है मोरल सुएशन नहीं होगा तब तक आप इस चीज़ को ना पाने में कहीं ना कहीं जो है गलतियां करते रहोगे। ठीक है, तो ये जो है आपके पास होना चाहिए। पहला इसको समाप्त करता हूँ, डिसिप्लिन। दूसरा फर्स्ट 90 मिनट रूल। तीसरा क्रिएट द कंड्यूसिव इन्वायरमेंट। और चौथा जो है वो वेयर डू यू वांट टू लैंड। आप 2-3 साल के बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब वीडियो के सेकेंड पार्ट में चलते हैं। जो देखिए सोर्स जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी कोचिंग संस्था में जाओगे तो या कहीं भी बड़े संस्थाओं में जाओगे, अच्छे संस्थाओं में, तो सबसे पहले आपको फोर्स करेंगे सोर्स पे। आपका सोर्स क्या होना चाहिए? तो मेरा सोर्स जो है इस बार काफ़ी रिसर्च के बाद काफ़ी मॉडिफाइड है। ठीक है, आप इसे ज़रूर ध्यान में रखना। और जो भी इसमें बुक्स बताए गए हैं, मटेरियल बताए गए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके जो है खरीद सकते हो। अमेजन और फ्लिप अमेजन पे जो भी लिंक दिया हुआ है ना, आप वहाँ से जाके खरीद सकते हो। यदि आपको मार्केट में या आप घर पे मंगाना चाहते हो, मार्केट में नहीं जा सकते हो तो। ठीक है, सबसे पहली बात करते हैं हिस्ट्री की। देखिए हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है प्रीलिम्स में या मेंस में। प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ फिलहाल। यहाँ पे 32-35 क्वेश्चन जो है ऑन एवरेज जो है प्रीलिम्स में जो है इतिहास से पूछता है। इतिहास में सबसे अधिक इसमें डिवाइड होता, इसमें जो है आवंटन होता है प्रश्नों का। सबसे पहले आधुनिक भारत से ज़्यादा प्रश्न पूछता है, उसके बाद आता है मिडाइबल और जो प्राचीन भारत है उसमें जो है इक्वल प्रश्न पूछे जाते हैं या एक दो के अंतर के साथ। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं मॉडर्न इंडिया पे। देखिए मॉडर्न इंडिया जो है ना, आपको आधुनिक भारत सबसे पहले जो है आप ओल्ड NCERT आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, ये मेरे तरफ से आपके ऊपर ना एक तरीके का प्रेशर है। सबसे पहले आप ओल्ड NCERT खरीदो और इसको पढ़ना शुरू करो। ये हिंदी इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में भी अवेलेबल है। मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से खरीद सकते हो। ठीक है, अगर इसको आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए कि आपका प्री और मेंस दोनों तैयार हो गया। ठीक है, प्री के लिए आपको अगर आप लूसेंट ना भी पढ़ते हो ना तो यह ये काम चला देगा। इतना फैक्ट्स, इतना डिस्क्रिप्शन, इतना बढ़िया जो है एनालिटिकल अप्रोच अपनाया गया है पुराने वाले NCERT में कि आप इसको ना पढ़ के आप गदगद हो जाओगे। आप मतलब टारगेट करो कि आपको जो है हिस्ट्री इतना दिनों में ख़त्म करना है और सबसे पहले आपको मॉडर्न इंडिया ओल्ड हिस्ट्री ख़त्म करना है। ठीक है, इस प्रीलिम्स के लिए आप इतना इसको पढ़ सकते हो, ये हिस्ट्री और प्लस जो है ये लूसेंट सामान्य ज्ञान, दोनों से जो है मॉडर्न इंडिया आप इसको कवर करने की कोशिश करो। ठीक है, उसके बाद आते हैं बिपिन चंद्रा का जो आधुनिक भारत का इतिहास है ना, आप मोटा वाला मत खरीदो। देखिए यहाँ पे मैं राजीव अहिर नहीं बता रहा हूँ, राजीव अहिर अप्रॉक्स 1000 पेजेस का जो नया आ रहा है बुक है, ये जो है बहुत सारे डेटा दिए हुए हैं, आप उसको ना तो कंसोलिडेट कर सकते हो ना माइंड में रख सकते हो। तो वो एक तरीके से ना अब उस चीज़ को वो थोड़ा सा आत्ममुग्ध हो गए हैं। ठीक है, अब उसका कॉस्ट बेनिफिट तो है लेकिन इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आप प्रीलिम्स तो मॉडर्न इंडिया ये ओल्ड NCERT और लूसेंट पढ़ के डैम श्योर है कि क्रैक कर सकते हो। यदि आपको मेंस के लिए पढ़ना है तो ये आधुनिक भारत का इतिहास ये बिपिन चंद्रा का ही है, पतली बुक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप यहाँ से खरीद सकते हो। बहुत लोग इसको पढ़े भी होंगे, आप ये पढ़ लोगे ना तो आपका अंडरस्टैंडिंग, देखिए आप पढ़ो मत, आप चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ठीक है, समझने की कोशिश करोगे ना कि क्या हो रही है चीज़ें, किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं हिस्ट्री में, ये सब चीज़ें एक दूसरे से जो है इंटरलिंक है, कुछ भी इंडिपेंडेंट नहीं है। एक क्रिया जो है दूसरी क्रिया का प्रतिफल है, तो आप इसको ना लिंक वाइज पढ़ो। जो ये बुक जो है काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से दिया हुआ है, तो ये जो है आपका प्रली कमेंस जो है आधुनिक भारत का क्लियर हो गया। कहाँ से पढ़ना है? मॉडर्न इंडिया का जो ओल्ड NCERT है उससे, 12 क्लास की। ठीक है, और लूसेंट से। ठीक है, और मेंस के लिए आप आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ सकते हो। यदि आपको आपके पास समय है तो पहले भी पढ़ लो, लेकिन मैं इसको ज़्यादा प्रीफर करूँगा मेंस के लिए पढ़ो। ठीक है, मिडाइवल इंडिया के लिए, मिडाइवल इंडिया के लिए आप चाहो तो केवल लूसेंट से तैयार कर सकते हो। 5 क्वेश्चन पढ़ने के लिए, 5 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कुछ ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए आपको बहुत सारे लोग बोलेंगे ना, नहीं 2 बुक पढ़ के या 3 बुक पढ़ के, ये 4 बुक पढ़ के प्रीलिम्स क्रैक कर लोगे। तो फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू मेक यू वेरी क्लियर कि आपको केवल प्रीलिम्स क्रैक करना जो है आपका मेन मकसद नहीं है।
ठीक है, जिस चीज़ के लिए वो बने हैं वो तो आपको कहेंगे कि आप केवल प्रीलिम के लिए पढ़ो, ये करो, फिर मेंस के लिए बाद में पढ़ना, तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप शुरू से तैयारी नहीं करोगे ना, तो बीच में का 2-3 महीने का समय मिलता है, आप उलझ के रह जाते हो, ठीक है, चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती हैं। और काफ़ी ज़्यादा अनुभव के बाद मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो है लूसेंट से चाहो तो केवल लूसेंट ही पढ़ के जो है और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगा के आप मिडाइवल इंडिया कर सकते हो। इसके बाद यदि आपको चाहिए कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना, तो आप मिडाइवल इंडिया का ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ो, ओल्ड, ठीक है। इसके साथ साथ अब मिडाइवल इंडिया हो गया, अब आता है प्राचीन भारत, ओल्ड एनसीईआरटी आपको ये पढ़ना है, क्योंकि इसमें जैनिज्म, बुद्धिज्म, मगध साम्राज्य, ये सारी चीज़ें बारे में दिया हुआ है। प्राचीन भारत हाईली सेंटर्ड था, उत्तर भारत का जो है बिहार वाला इलाका, मगध साम्राज्य, तो आप आपको जो है इस उसके जानकारी के लिए जो है यह पढ़ना है प्राचीन भारत का इतिहास। और इसके साथ साथ आप मिडाइवल के लिए एनसीईआरटी चाहो तो ना पढ़ो, लेकिन प्राचीन भारत के लिए आपको प्रीलिम से पहले ही ये पढ़ना है, और इसके साथ साथ लूसेंट को भी फॉलो करना है। तो हिस्ट्री का मामला जो है क्लियर हो गया, माफ कीजिएगा। अब बात आती है पॉलिटी की, तो देखिए पॉलिटी के लिए जो है अभी फिलहाल प्रीलिम्स के लिए आप जो है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, भारत का संविधान कार्यरूप, ऐसे कुछ है इसका हिंदी नाम, कार्यरूप भारत का संविधान, ठीक है। तो इस ये जो है 11th क्लास की एनसीईआरटी है, आप इसको पढ़ो, और उसके साथ साथ इससे जो है आपका बहुत पतली एनसीईआरटी है, 3-4 दिनों में आप ख़त्म कर सकते हो। इसके साथ साथ आपको यहाँ से लूसेंट का समान ज्ञान से जो है पॉलिटी फॉलो करना है, तो आप प्रीलिम्स के लिए आराम से तैयार हो जाओगे, ठीक है। या मेंस में भी काम देगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये हिंदी में भी है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑब्वियस एज यू नो। इसके नीचे जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दिया हुआ है, आप चाहो तो वहाँ से खरीद सकते हो, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए आपको इतना ही पढ़ना है बीपीएससी के लिए। अब जो है मेंस की बात आती है, तो मेंस की बात में मेंस के लिए आप चाहो तो भारत की राजव्यवस्था लक्ष्मीकांत से पढ़ सकते हो, और नहीं चाहो आपके ऊपर टोटल डिपेंड है, यदि ना भी पढ़ो तो आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन जो है भारतीय प्रशासन एक ये बहुत ही सटीक बुक है, अवस्थी अनवस्थी का पबैड वाले पढ़ते हैं, लेकिन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो है 2-3 सालों से मैं जो ट्रैक कर रहा हूँ बीपीएससी के मेंस में जो पॉलिटी का प्रश्न पूछ रहा है वह काफ़ी डायनेमिक पूछता है, और कोई लोग भी उसे जो है बताते नहीं हैं, ठीक है। तो इस ये जो है स्पेशली आप इसमें से कुछ चैप्टर जो है सेलेक्टिव पढ़ाई कर सकते हो, लाइक जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं, जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, और वर्तमान समय में इससे जुड़ी जो भी पदों से जुड़ी समस्याएं हैं जो आजकल खूब पूछा जा रहा है। 66वीं बीपीएससी में काफ़ी अच्छा राष्ट्रपति के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप उसको जो है यहाँ से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और आप चाहोगे यदि डिमांड करोगे तो मैं इसका समरी भी आपके सामने पेश कर सकता हूँ, ठीक है। तो पॉलिटी के लिए ये क्लियर हो गया। अब बात आते हैं साइंस के लिए, तो साइंस भी काफ़ी डायनेमिक होता है, इसमें भी 25-30 प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, तो आपको साइंस के लिए सामान्य विज्ञान लूसेंट का ही पढ़ना है। बाकी बहुत सारे मार्केट में बुक्स पढ़े हुए हैं, तो आपको उन सारी चीज़ों के बारे में नहीं जाना है, बस लूसेंट का सामान्य विज्ञान पढ़ो। इकोनॉमिक्स के लिए आपको और कुछ नहीं पढ़ना है, बस सामान्य ज्ञान ये लूसेंट से पढ़ो, इकोनॉमिक वाला सेक्शन आपको इकोनॉमिक्स जो है पूरा हो जाएगा वहाँ से। इसके साथ साथ करंट अफेयर्स की बात जब आती है, मेंस की बात करें जहाँ विज्ञान को लेके, तो आपको ना मैं कवर कराने की कोशिश करूँगा बोधिसत्व पीसीएस पे, जो भी वीडियो अपलोड होगा साप्ताहिक तौर पे, एडिटोरियल एनालिसिस, चाहे वो सोसाइटल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिकल हो या साइंटिफिक हो, सबको लेके मैं वीडियो बनाऊँगा, तो आप उसको फॉलो करो। प्लस कोई भी स्टैंडर्ड मैगजीन जो है जिसमें डिस्क्रिप्टिव भी दिया हुआ है उसको फॉलो करो, ये मत सोचो कि वन लाइनर पढ़ के केवल स्पीडी आपको केवल जो है प्रीलिम्स में हेल्प कराएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास समय नहीं होता है, मैं आपको सही बता रहा हूँ कि आपके पास समय नहीं होता है, आपको 3 महीना भी मेंस के लिए मिल जाए ना, तो उस पीरियड में आप नहीं प्रिपेयर कर सकते हो मेंस की तैयारी, तो आपको प्रीलिम से पहले ही मेंस की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। ज्योग्राफी के लिए देखिए, ज्योग्राफी के लिए आपको कुछ ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारना है, एनसीईआरटी पुरानी वाली एनसीईआरटी 11-12 की पढ़ लो या नई वाली कुछ भी पढ़ लो, यदि आप उसको नहीं पढ़ना चाहते हो तो ये महेश बर्नवाल की कॉस्मो पब्लिकेशन की आती है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, या एनसीईआरटी का गिस्ट है 6ठा से 12 क्लास तक का एनसीईआरटी का, तो आप इसको चाहो तो पढ़ लो, और इसको ना भी चाहो तो
कोई बात नहीं, नहीं पढ़ना तो आप केवल इसे लूसेंट से कवर कर सकते हो। बिहार स्पेशल के लिए बहुत सारी बुक हैं, लेकिन प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ लेके केवल क्राउन पब्लिकेशन का जो ये अप्रोच है मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। आप इसको चाहो तो आप इसे पढ़ो या अन्य किसी भी पब्लिकेशन से आप तैयारी कर सकते हो। आपको ना करंट अफेयर्स पे ज़्यादा पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात आती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप बीपीएससी का ये किरण पब्लिकेशन का बीपीएससी का सॉल्व पेपर ले सकते हो। इसमें थोड़ा सा डायनेमिक ये बुक है, ये इसमें जो है बीपीएससी के साथ साथ जो है बिहार न्यायिक सेवा सीडीपीओ संघ की जो है अधिकारियों का एग्जाम्स होता है सबका दिया हुआ है इसमें प्रश्न, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डायनेमिक अप्रोच है इसका, तो आप इसको ले सकते हो। और नहीं तो आप यूथ कंपटीशन टाइम्स का जो है आप इसका ये बुकलेट ले सकते हो। जो भी मैं सोर्स बताया ना, काफ़ी सोच समझ के रिसर्च के बाद और जो बीपीएससी का क्वेश्चन पूछे जाने का ट्रेंड है उसको फॉलो करते हुए जो है आपको बताया गया है। सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और अभी तक यदि आप वीडियो पे बने हुए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि करंट अफेयर्स के लिए जो भी है ना, अलग से मैं एक वीडियो बनाऊँगा। करंट अफेयर्स काफ़ी डायनेमिक है, तो मैं आपको बताऊँगा कि करंट अफेयर्स की तैयारी किस तरीके से करो कि आपका जो है मेंस ना बहुत ही अच्छा से जाए। क्योंकि इस बार ना सेकंड पेपर तो सबको रुलाया था, मैं यूट्यूब पे देख रहा था एक चैनल पे, उन्होंने बच्चों का वो जाना था, व्यू जाना था कि बीपीएससी का पेपर कैसा जा रहा है, तो लोग काफ़ी बच्चे जो है मायूस हो रहे थे क्योंकि इस समय ना सब लोग फेल हुए हैं जो भी गेस वर्क करते। देख, गेस वर्क नहीं करना चाहिए, ठीक है। आप ना काफ़ी कंड्यूसिव तरीके से मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ तैयारी करो, तो ऑफकोर्स आपको जो है सिलेक्शन दिलाने में ये सारी चीज़ें जो है आपको सहायता करेंगी। तो हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।